नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। हिस्पिड हेयर एक खरगोश की प्रजाति है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में क्यों आई? देखो, कोई फॉरेस्ट एरिया होता है उसी को डिक्लेयर कर देते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी न्यूज़ में इसलिए है, रिसेंटली जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया में ऑफिस है जिसका, WWF का, उसने अभी यहाँ पे कुछ टाइगर खोजे हैं इस सेंचुरी में। कुछ टाइगर पाए गए हैं यहाँ पे, ये असम में है, असम में, इसलिए न्यूज़ में आई। ये असम में सेंचुरी है और इसका जो एरिया है लगभग 26 स्क्वेयर किलोमीटर का एरिया ये करती है। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम की। ये कहाँ पर लोकेटेड है असम में? असम में दो डिस्ट्रिक्ट में आती है, दोनों की दोनों याद करना जरूरी है क्योंकि UPSC ने डिजर्ट नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया था 2020 में कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है। दो डिस्ट्रिक्ट में आता था वो भी। तो ये असम की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? असम में है बक्सा और उदलगिरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे आता है। ये भूटान के साथ बॉर्डर लगाती हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट। ये जो सेंचुरी है, वेस्टर्न साइड में बरनदी रिवर और ईस्टर्न साइड में, इसके पूर्व साइड में, जैसे ये मान लो ये सेंचुरी है, इसके वेस्टर्न साइड में बरनदी रिवर बहती है, फ्लो करती है, और नालपरा रिवर ईस्टर्न साइड में यहाँ पर फ्लो करती है। ये बरनदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ईस्टर्न साइड में। लीगल स्टेटस क्या है इसका? 1980 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था यहाँ पे, जो फॉरेस्ट एरिया है असम गवर्नमेंट ने। इस बरनदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्यों डिक्लेयर किया गया था? यहाँ पे पिग्मी हॉग थे, एक प्रजाति है, एनिमल है पिग्मी हॉग, सुअर की प्रजाति है, सबसे छोटा सुअर होता है पिग, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट पिग, पिग्मी हॉग पाया जाता है यहाँ पे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और हिस्पिड हेयर मिलता है खरगोश, उसका साइंटिफिक नाम है कैप्रोलेगस हिस्पिडस, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए ये बरनदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की थी। ये है आपका पिग, सबसे स्मॉलेस्ट पिग, पिग्मी हॉग, बहुत न्यूज़ में रहा, इसके लिए स्पेशल लेक्चर भी हमने बनाया हुआ है। ये आपका हिस्पिड हेयर, खरगोश की प्रजाति है ये हिस्पिड हेयर, ये वाला। तो इसका बायोडाइवर्सिटी क्या क्या मिलती है इसमें बरनदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? इसमें एशियन एलिफेंट मिलते हैं, हाथी मिलते हैं, और टाइगर मिलते हैं इसमें, और एक गौर बॉस फ्रंटालिस मिलता है। एलिफेंट और टाइगर आपने देखा हुआ है, और ये गौर बॉस फ्रंटालिस कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, इसे इंडियन भैंसा भी बोलते हैं, भारतीय भैंसा, इंडियन बिसन। यहाँ पे बरनदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 60% ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, जो अभी ग्रासी वुडलैंड में चेंज हो चुके हैं। ग्रासी वुडलैंड का मतलब है वहाँ पे घास भी हैं और थोड़े पेड़ भी हो गए हैं जिनसे लकड़ी वगैरह मिलती है, तो ऐसे वुडी वुडलैंड में चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलते हैं, जंगल मिलते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडुअर फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे, मिक्स्ड स्क्रब भी पाए जाते हैं और ग्रासलैंड भी। ये देख सकते हो आप, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडुअस फॉरेस्ट कुछ ऐसे होते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडुअस, और ये स्क्रब लैंड या स्क्रब मिक्स स्क्रब बोलते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं और घास वगैरह होती है थोड़ी, और ये है आपका ग्रास लैंड, ये है ग्रास लैंड, घास के मैदान होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं और घास ज़्यादा होती है, उन्हें बोलते हैं ग्रास लैंड। तो ये यहाँ पे मिलता है फॉरेस्ट। वेजिटेशन क्या क्या मिलता है? वेजिटेशन देखो यहाँ पे ड्रास्टिकली मॉडिफाई हो चुका है, चेंज हो चुका है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, एग्रीकल्चर करने लगे हैं यहाँ, यहाँ पे ग्रास लगा दिए, नई ग्रास की वेराइटी आ गई है, घास की वेराइटी यहाँ पे, जैसे मान लो कुछ पेड़ प्लांटेशन की है, पेड़ों की, बॉम्बेक्स सीबा नाम का पेड़ है एक ट्री, टेक्टोना ग्रांडिस नाम का है, यूकेलिप्टस आ गए हैं यहाँ पे, कुछ थैथिस ग्रासीज हैं, ये थैच ग्रासीज होती हैं, ग्रास घास की प्रजाति होती हैं, जैसे सच्चरम, और ये आपका फ्रेगमाइट्स थैमेडा, ये है आपका देखो बॉम्बेक्स सीबा, ये बॉम्बेक्स सीबा का पेड़ है, ये दिखाई दे रहा जो आपको बॉम्बेक्स सीबा, और ये है आपका बॉम्बेक्स सीबा, और ये है टेक्टोना, ये टेक्टोना ग्रांडिस का ट्रीज है, और ये है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस तो आपने देखा होगा रोड के साइड में जो पेड़ लगे रहते हैं, सफ़ेदा का पेड़, ये सफ़ेदा का पेड़ भी बोलते हैं हिंदी में से, ये है आपका कौन सा पेड़ है? यूकेलिप्टस का। और ये है आपकी ग्रासेज, ये सच्चारम की ग्रासेज है, ये घास घास की वेराइटी है जो इतनी लंबी है दिखाई दे रही है, ग्रास है, ग्रास की वेराइटी सच्चारम। और ये है आपकी प्रेगमाइट्स, ये है आपकी घास की वेराइटी है प्रेगमाइट्स, और ये है आपकी थैमेडा, ये थैमेडा है। तो जो वेराइटी दिखाई दे रही थी आपको, सच्चारम, फ्रेगमाइट्स और थैमेडा, ये हमने देख ली है, ये हमें वेजिटेशन मिलता है। और असम में कौन कौन से और प्रोटेक्टेड एरियाज मिलते हैं? असम में देखो डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नमेरी नेशनल पार्क है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबके सब, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क है, और काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये असम में मिलते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा हिस्पिड हेयर के बारे में। हिस्पिड हेयर को असम रैबिट भी बोलते हैं, असम में पाया जाने वाला खरगोश, और इसका साइंटिफिक नाम है कैप्रोलेगस हिस्पिडस। ये है जी आपका हिस्पिड हेयर, जो ऊपर देखा था हमने यही, ये सेंट्रल हिमालय आ जाए जो उसके फुट हिल्स में मिलता है, सदर्न फुट हिल्स में, ये अपना हिंदुस्तान हो गया यहाँ पे, और ये हमारा सेंट्रल हिमालय यहाँ पे असम तक, यहाँ से उत्तर प्रदेश से लेके असम तक, यहाँ पे मोस्टली पाया जाता है ये खरगोश सेंट्रल हिमालय में, और ये ग्रासलैंड में रहता है, टाल ग्रासेस जो वहाँ पे मिलती हैं, लंबी लंबी घास जहाँ पे मिलती है वहाँ पे पाया जाता है
ये टॉल जो ग्रासलैंड होते हैं उन्हें एलिफेंट ग्रासेस भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत लंबी होती हैं। जैसा हमने ऊपर देखा ना, सच्चारम और फ्रेगमाइट्स और थेमेडा ग्रासेस, इतनी लंबी ग्रासेस होती हैं। और ड्राई सीजन में क्या होता है, ड्राई सीजन में यहाँ पे आग लगने की ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि इन ग्रासेस में आग लग जाती है, बर्न हो जाती है। इनकी वजह से जो रैबिट हैं वो मार्सी लैंड में चले जाते हैं, मार्सी एरियाज़ में। मार्सी एरिया होते हैं ऐसे ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ पानी भरा होता है और कुछ वेजिटेशन भी होता है, ग्रास वगैरह होती हैं यहाँ पे, उनको बोलते हैं मार्सी लैंड। और वहाँ पे मूव कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बर्निंग होने के चांस कम होते हैं क्योंकि पानी भरा होता है, तो यहाँ पे चले जाते हैं ड्राई सीजन में। ये हिस्पिड हेयर खरगोश है जो, इसको खतरा किस किस से, एक तो इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कृषि है ज़्यादा बढ़ रही है, लोग यहाँ पे काट रहे हैं घास वगैरह को, मैदान साफ़ कर रहे हैं, तो खरगोश का जो हैबिटेट है लुप्त होता जा रहा है, एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। फ्लड से भी इनको परेशानी है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलप करता जा रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवे रोड वगैरह बन रहे हैं, तो इनसे परेशानी है। और जो ये ग्रास लैंड है वुड लैंड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, जो साइट्स है, साइट्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लांट एंड स्पीसीज को, फोना फ्लोरा को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उसकी लिस्ट है 1, 2, 3, उसका नाम है अपेंडिक्स 1, 2, 3। अपेंडिक्स 1 में आता है ये, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो हमारा 1972 का, उसके शेड्यूल है, इसकी लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके 6 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 शेड्यूल 1 में आता है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है इसको, खरगोश को। IUCN है जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948 में बनाई थी जूलियन हेक्सले नाम के आदमी ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें NGO वगैरह, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्था और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें पार्टिसिपेशन करती है। पूरे वर्ल्ड वाइड प्लांट एंड स्पीसीज जो ट्री वगैरह हैं या एनिमल्स हैं उनको कंजर्व करने का काम करती है। तो इसकी रेड लिस्ट है जिसकी 9 कैटेगरी हैं, उसमें एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है ये। तो यही था इसके बारे में इस लेक्चर में।